दोस्तों ये है अशोक लेलैंड का ऑयस्टर बस। अब इस बस के बारे में कितने सीटिंग आता है, क्या सारी अंदर सीट्स की क्वालिटी है, क्या सारे फैब्रिक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल एक्स वाई जेड हम सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, क्या माइलेज वगैरह देगी, मोटा मोटा प्राइस का अंदाज भी आपको बता दूंगा और रफ टेंटेटिव हम बहुत सारा एस्टिमेट्स भी कर लेंगे। ओवरऑल चीज़ों को देखना शुरू करेंगे और आपको लगभग सारा आइडिया हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और आगे देख के और वीडियोस को देख के भी सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल अगर बात करें तो सबसे बड़ी हाईलाइट जो है, एक रनिंग बोर्ड मिल जाता है आपको, बड़ी सी विंडशील्ड मिलती है, वो पार्ट है। दूसरी जब देखोगे तो यहाँ पे एक ओवल शेप आता है, ऑयस्टर की शुरुआत होती है ओ से, तो वो एक ओवल शेप आता है। यहाँ से आप देखोगे ये पूरा शेप जो है वो बस का कंटिन्यू किया हुआ है। यहाँ पे लाइट्स मिलती है, लाइट्स में आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, ये जो है आपका प्रोजेक्टर बेस्ड लैम्प मिलता है, अच्छी चीज़ है जो कि अप्रिशिएटेड है। यहाँ पे आपको एक हैलोजन बेस्ड लैम्प भी मिलता है और यहाँ पे आपको फॉग लैम्प, कैटाई रिफ्लेक्शन वगैरह मिल जाएगा। बम्पर की बात करोगे तो ये थ्री पीस में दिया हुआ है, यहाँ से जो स्प्लिट बम्पर है जो कि एक बेहतर चीज़ है। यहाँ से आपको जो है अगर स्क्रैच वगैरह भी कई बार आपका बम्पर हो जाता है तो आप उसको इजीली रिपेयर करा सकते हो। ये वाला पार्ट हमारा जो है मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पे बचा रहता है। ये सारी चीज़ें हैं। ये ग्रिल जो है वो स्टील का दिया हुआ है। लेलैंड का बैजिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया ही लगता है। ओवरऑल सामने से कोई शिकायतों वाली चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा यूनिक सा है, शार्प एजेस कहीं नहीं दिख रही है आपको, सारी चीज़ें सॉफ्ट दिखेंगी। बहुत मस्कुलर बनाने की कोशिश नहीं की गई है, बट एक ऐसे सेगमेंट को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई जो सेगमेंट कुछ अलग चाहता है। अब हम चलते हैं साइड प्रोफाइल पे, देखते हैं क्या सारी चीज़ें साइड प्रोफाइल पे। अगर आप बात करोगे ड्राइवर डोर की तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल सा डोर मिलता है, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसे अलग सा करने की कोशिश नहीं की गई है, बहुत ही सिंपल सोफिस्टिकेटेड बनाया गया है। डोर्स की क्वालिटी वगैरह ठीक है, बजेगा नहीं बहुत जल्दी, 3 साल 3.5 साल तो आपको आसानी से कंपनी वाली बॉडी में ही चल सकता है काम। उसके बाद में यहाँ पे जो फुट स्टेप्स हैं वो इंटीग्रेटेड ही हैं। यहाँ एयर फिल्टर की असेंबली हमने अशोक लेलैंड की देखी है, वो है, यहाँ से आप उसको इजीली एक्सेस भी कर सकते हो, तो यहाँ से इजीली एक्सेस होता है। पूरी गाड़ी पे आपको रनिंग लैंप्स मिल जाते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है, थोड़ा सेफ्टी बढ़ाती है चीज़ों को। यहाँ पे क्वार्टर ग्लास मिलता है, अंदर की तरफ हवा वगैरह आसानी से आ जाती है। यहाँ पे जो है आपको रियर व्यू मिरर मिलता है। यहाँ आपको एडब्लू टैंक मिलेगा, 24 लीटर के आसपास एडब्लू टैंक आता है। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा, 180 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक इसमें आता है। ओवरऑल बॉडी को बहुत ही शार्प रखने की कोशिश नहीं की गई है, बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की गई है, सटल रखने की कोशिश की गई है। जितना टिंट आपको यहाँ लाइट में दिख रहा है उतना टिंट यहाँ पे नहीं है शीशों में। शीशे आप जब देखेंगे नॉर्मली बाहर से तो नॉर्मल दिखेंगे, आपको हल्का टिंट इसमें मिलता है, आपको डेफिनेटली ग्लेयर्स मिलते हैं, टफन ग्लास होता है, बहुत इजीली ब्रेक ये नहीं होगा। अगर यहाँ बात करोगे तो आपको एयर सस्पेंशन पे गाड़ी कम्प्लीटली बिल्ड की गई है, ये एयर सस्पेंशन पे काम करता है, बट एज सच कुछ मल्टी हाइट एडजस्टमेंट्स इसमें नहीं आते, जो एक अलग पार्ट है। नाउ कमिंग टू टायर साइज़, 235/75R 17.5 के टायर्स मिलते हैं, वो एक पार्ट यहाँ पे है। इस साइज़ के जो टायर्स होते हैं वो माइलेज के लिए जाने जाते हैं, मतलब बेहतर माइलेज आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा। ओवरऑल माइलेज जो है वो आपका अच्छा आता है। यहाँ पे और कोई चीज़ें नहीं है, हाँ हालांकि यहाँ पे आपको एक इमरजेंसी एग्जिट मिल जाएगा, ये इमरजेंसी का यूज़ नहीं करना पड़े तो बढ़िया, बट फिर भी काफ़ी बड़े साइज़ का बनाया है। ओवरऑल यहाँ से लेके वहाँ तक आप देखोगे तो रनिंग लैंप्स के अलावा कोई ऐसे खास एलिमेंट्स आपको नहीं दिखेंगे। ऑयस्टर जैसी बसें जो स्टाफ और स्कूल श्रेणी की आती हैं उनमें पीछे से एलिमेंट्स बहुत ही बढ़िया लगाए गए हैं या बहुत सिंपल लगाए गए हैं। अशोक लेलैंड की बड़ी सी ब्रांडिंग मिलती है, लोगो मिलता है अशोक लेलैंड का। शीशा जो है वो जानबूझ के छोटा रखा गया है, मतलब आप शीशा देखोगे तो छोटा है। छोटा क्यों है? क्योंकि जबरन में ज़रूरत नहीं पड़ती है बहुत बड़े शीशे की। क्रॉस कटिंग का पार्ट नहीं है बट पार्ट कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच का है जिसका मैं फेवर करता हूँ, क्योंकि पीछे आपने अगर एक इंफ्रारेड कैमरा दे रखा है तो वहाँ से चीज़ें आएंगी। यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर प्लेट, उसके लिए कुछ लैंप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल बम्पर वगैरह मिलता है, 4 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, ड्राइवर को कहीं ना कहीं वो इंटीमेट करते हैं। अगर पीछे से आप बात करोगे तो सिर्फ 2 लाइट्स मिलती हैं बट काम तीनों करती थी, मतलब ये ब्रेक लाइट का काम करेगी, ये आपको बैक लाइट मिल जाएगी, ये इंडिकेटर का काम करता है, तो इंडिकेटर अगर चलेगा तो ये चलेगा। थोड़ा सा इनोवेटिव सा थॉट है बट अच्छा थॉट है। ओवरऑल चीज़ें वगैरह बढ़िया लगी है। हाइट वगैरह भी बस की अच्छी मेंटेन की गई है, जबकि बस एयर सस्पेंशन पे सिट करती है। जब हम बात करते हैं बस के साइड एंगल से तो आप देखोगे तो ये कर्व्ड दिया हुआ है, कुछ फ्लैट शार्प एडजस्ट नहीं है, वो एक पार्ट है, वो एक अच्छी चीज़ लगेगी। और यहाँ पे आपको रनिंग लैंप्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ से जो जॉइंट्स वगैरह भी दिए गए वो अच्छे दिए गए, मतलब ऐसे कुछ अनइवन नहीं लगता है, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर लगेंगी, क्योंकि ये बस स्कूल बस और स्टाफ बस की तरह यूज़ होती है, तो लगेज का कोई काम नहीं है, यानी कि बस की हाइट आप कम रख सकते हो, नीचे से लगेज की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ टूल बॉक्स मिलता है, वहाँ बैटरी बॉक्स मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको टायर्स वगैरह मिलते हैं, एयर सस्पेंशन का सेटअप यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो है आपको कुछ ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे और ऑयस्टर की जो बैजिंग है वो यहाँ किया हुआ है। तो डोर पे चढ़ते में आपको लगेगा कि आप ऑयस्टर सीरीज की बस में जो है अंदर की तरफ रोल कर रहे हो। टायर्स वगैरह के भी आगे से अगर आप देखोगे व्हील बेस छोटा रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि आपको मोस्टली सिटी वगैरह में चलाना है, और अगर आप इंट्रा सिटी की जगह इंट्रा सिटी चलाते हो, मतलब आपका स्टाफ अगर 30-40 किलोमीटर से नहीं आ रहा है, बाजू से आ रहा है, तो भी आप चीज़ें करोगे। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि अगर आप इसको एक प्रॉपर सिटी बस की तरह यूज़ करना चाहते हो तो भी आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज सिटी में भी लोग जो है लगेज वगैरह उतना लेके नहीं जाते हैं।
बेस की इसका फ्यूल माइलेज जो है वो बहुत बढ़िया है। ये सारी बातें हैं ओएस्टर के बारे में बाहर से, अब हम बात करेंगे ओएस्टर के बारे में अंदर से। तो चलिए चलते हैं बस के अंदर। दोस्तों जब ओएस्टर बस के अंदर आप बैठते हो ना तो आपको सीटें कैसी लगती हैं? तो सीटें आपको क्रैम्प्ड नहीं लगती, मतलब सफोस्टिकेशन नहीं होगा, छोटी नहीं लगेगी, हैंड रेस्ट वगैरह मिलता है आपको, ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ यहाँ में अगर मैं कि लेग रूम वगैरह कैसा मिलता है, तो देखो एक तो ये आपको रिक्लाइनिंग मिल जाती है, पुश बैक सीट मिलती है, तो रिक्लाइन मिल जाती है, मतलब थोड़ा बहुत आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो, एक वोच पार्ट हो गया। कितना रिक्लाइन कर सकते हो? तो आप इतना रिक्लाइन कर सकते हो अगर पीछे वाले को प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो, वैसे इतना करोगे तो चलेगा। फुट वगैरह रख सकते हो आप, बॉटल होल्डर मिल जाता है, मैगजीन होल्डर वगैरह आपको मिल जाते हैं, छोटी मोटी आपके चिप्स वगैरह के पैकेट भी अगर आपको रखने हैं इसमें तो आप होल्ड कर सकते हो। नाउ बाहर का व्यू बहुत अच्छा आता है, अगर कर्टेंस लग जाएंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आपको प्राइवेसी के लिए कर्टेन लगाने तो लगा सकते हो। ओवरऑल ऊपर की तरफ जो बोर्ड है वो बढ़िया नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि इसको जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए था, मतलब नीचे की तरफ ऐसे गिरने वाला नहीं होना चाहिए था। कभी किसी का पानी फैलता है या कोई ऐसे सामान रखा है जो कि हिलता है बचता है तो इससे टकरा के आवाज़ उसकी एक्स्ट्रा क्रिएट होगी, वो एक मुझे पसंद नहीं आता। पूरा होना चाहिए इसको। यहाँ पे एयर वेंट्स मिलते हैं, आप इनको कंट्रोल कर सकते हो ऑन और ऑफ़ करने के लिए, मतलब इनको अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। हैंडल वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। 45 सीट्स कॉन्फ़िगरेशन के आसपास मिलती है, डिपेंड ऑन दी आप इसको किस हिसाब से कस्टमाइज़ करवा रहे हो। हर एक सीट पे आपको हैमर्स मिल जाते हैं, फायर रेस्ट्रेंट सिस्टम इस बस में लगा है, आग वगैरह लगेगी अगर कहीं किसी कंपार्टमेंट में तो बस उस चीज़ में डिटेक्शन वगैरह डिटेक्शन कर लेती है। लास्ट रो में भी अगर आप बैठोगे तो आपको उतने ज़्यादा जर्क नहीं लगने वाले, वो चीज़ें नहीं लगने वाली है। बॉडी रोल क्योंकि बस की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, बस की लंबाई कंट्रोल्ड है और कम, मतलब स्पेसिंग वगैरह ठीक दी है सीट्स वगैरह की, तो आपको कभी भी ऐसा जर्क वगैरह नहीं लगेगा, पीछे की सीट पर नहीं बैठना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। बस आपको अगर बोर्डिंग और डीबोर्डिंग की जल्दी है तब आपको आगे की सीट प्रेफरेबल रहेंगी, पीछे की सीट्स पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। सीट कम्फर्ट कैसा है? तो भाई देखो जब तक मैं एक ट्रैवल नहीं ले लेता 300 किलोमीटर के आसपास का, तब तक सीट कम्फर्ट बताना बहुत ही अजीब सा होगा। बट फिर भी सीट्स का फैब्रिक वगैरह कैसा है? तो सीट का फैब्रिक एवरेज है, आपको कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा फैब्रिक लगाया गया। बाकी आप इसमें मोस्टली सीट कवर वगैरह आपने लगवाओगे तो भी बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आती, मोस्टली फीट ऑपरेटर्स लगाना पसंद करते हैं। फ्रंट इंजन बस है तो ये भी नहीं कि नीचे का बोर्ड वगैरह गर्म हो रहा है, और विनाइल फ्लोरिंग है, एंटी स्किड फ्लोरिंग है, मतलब ऐसे कुछ फ्लोरिंग वगैरह भी नहीं है, यहाँ पे इन्होंने रेड कारपेट डाला हुआ है, हटा के बताऊंगा, तो विनाइल फ्लोरिंग मिलती है, वो कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। पीछे की तरफ शीशा जो है वो थोड़ा सा छोटा ही आपको मिलता है, बहुत बड़ा आपको ऐसा शीशा नहीं मिलता। अगर आप बात करोगे तो अंदर की तरफ म्यूजिक सिस्टम के लिए कुछ स्पीकर्स का प्लेसमेंट किया गया है, जिससे म्यूजिक सिस्टम वगैरह आपको इस गाड़ी में मिलता है। लैप बेल्ट्स भी आपको सीट्स में मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लैप बेल्ट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें, हैंड रेस्ट वगैरह मैंने बताया सारी सीट्स में मिलते हैं। 2x2 में मिलती है, ये कि एक बेटर तरीका है कि मतलब निकलने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। गेट हालांकि आगे सिर्फ एक ही मिलता है बोर्ड और डीबोर्ड करने के लिए, इस लेंथ की बस के लिए ये चीज़ें ठीक भी है। तो ये सारी चीज़ें, चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ड्राइवर के केबिन से, ऑपरेटर के केबिन से क्या सारी चीज़ें मिलती हैं। ओवरऑल बस अच्छी लग रही है, बहुत हाइटेड भी नहीं है और बहुत डाउन भी नहीं है, तो वो भी एक चीज़ आपको फेवर करेगी जब आप बैठ कर जाओगे बॉडी रोल में। यहाँ पे आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैं बिलीव करता हूँ कि ये मैनुअल में भी अवेलेबल होगा। जो ट्रांसमिशन है उसकी हाईलाइट ये है कि आप उसको इकोनॉमी और पावर दोनों मोड्स में चला सकते हो। क्राउलर मोड भी इसमें आता है, जब आप इसको अपहिल ले जा रहे हो, ग्रेडियंट वगैरह पर ले जा रहे हो तो अपहिल के लिए वो भी आता है, और मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह से चला सकते हो, काफ़ी इजी होता है। यहाँ पे जो है इसके दोनों शिफ्ट करने के लिए बटन्स दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें। लीलैंड का स्टीयरिंग व्हील भाई चलाने के बाद पता चलेगा, अभी हम आपको कुछ नहीं बता रहे। यहाँ पे सारे डमी बटन्स दिए हुए हैं, कोई भी बटन्स आपको नहीं मिलेगा सिवाय एक INT या फिर ऊपर इंटीरियर की लाइट्स के लिए, तो यहाँ पे एक वो चीज़ है। अभी गाड़ी में कट ऑफ स्विच एक्टिवेटेड है तो गाड़ी में कोई भी करंट वगैरह काम नहीं कर रहा है। लीलैंड का डिस्प्ले आपको जो BS6 गाड़ियों में मिलता है वही मिलता है, कुछ अलग से यहाँ पे नहीं आता है, वो एक पार्ट है। यहाँ पे काफ़ी सारे रंग बिरंगे बटन्स लगाए गए हैं, जिसमें से मोस्टली जो बटन्स हैं वो रीजनरेशन के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि गाड़ी में बहुत बड़ा BS6 सिस्टम के कारण यूरिया का सिस्टम लगाया हुआ है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे कुछ आपके पंखे वगैरह जो लगाए हुए हैं उसके लिए है, जैसे ये वाला फैन लगाया हुआ है, या पीछे की केबल लाइट्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। फायर डिटेक्शन यूनिट लगी हुई, तो फायर डिटेक्शन यूनिट के लिए यहाँ पे चीज़ें हैं। बाकी आपको जो पीछे कैमरा लगा हुआ है वो कैमरे का डिस्प्ले इस यूनिट में आती है। गाड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब 13-13.5 मीटर की गाड़ी नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मिरर या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपने जो है कोई वाइड एंगल मिरर वगैरह लगा रखा है। बाकी आपको फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक रनिंग बोर्ड मिलता है, जिस पे आपको पता चलेगा कि यार ड्राइवर वगैरह नेक्स्ट डेस्टिनेशन वगैरह क्या है, जो भी बंदा बोर्ड करेगा कौन सी बस है। यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड मिलता है या फिर कर्टेन्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। बाकी आपको यहाँ पे पूरी बस में क्या चल रहा है उसको देखने के लिए इंटीरियर रियर व्यू मिरर या फिर इंटीरियर अंदर देखने का IRVM मिलता है। बस की सीट पे कैसा लगता है? सस्पेंशन सीट तो है नहीं, बाकी आपको ये सीट भी जो है कुछ उसी फैब्रिक में मिलती है जिस फैब्रिक में पीछे की सीट से, बट थोड़ा सा स्टिचिंग इसकी अलग की गई है,
और जैसा अशोक लेलैंड का जो हमने सीजे देखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे रिक्लाइन वगैरह भी अगर आपको करना है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, और आगे पीछे भी अगर आपको जाना है तो आप उसमें आगे पीछे भी जो है वो जा सकते हो। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ओवरऑल कोई खास आपको समस्या आएगी नहीं। बाकी क्वार्टर ग्लास मिलता है आपको, पीछे की तरफ कोई ग्लास आप खोल नहीं सकते हो क्योंकि एयर कंडीशनिंग आती है, एयर कंडीशनिंग का कंट्रोल यहाँ से आपको मिल जाता है। बहुत ही छोटा सा सोफिस्टिकेटेड यूनिट है, यहाँ आपको मिलता है अशोक लेलैंड का लगभग 150 हॉर्स पावर का इंजन। अब ऑयस्टर बस के बारे में दो चार बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, और बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। इससे पहले मैं वीडियो ख़त्म करूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो बस है वो दुबई इमीरेट्स में बहुत टाइम से चल रही है, यूएई में बहुत टाइम से चल रही है, 5 साल से ज़्यादा उनको हो गए। वहाँ स्टाफ मूवर के लिए यूज़ करते हैं और स्कूल बस के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, तो वो एक पार्ट है। और अभी बहुत सारी बसों का ऑर्डर भी दिया है। बस देखने में स्माइली फेस के साथ में थोड़ी सी अलग लगती है, पर मुझे ठीक लगती है, मतलब अजीब लगती है, बहुत मस्कुलर जैसी बस नहीं बनाई है, वो एक पार्ट है। इसके बाद इसमें सेफ्टी को लेकर खासा ध्यान रखा है, बस जो है वो रोल नहीं होगी, वो एक पार्ट है। फिर उसके बाद में ABS मिल जाते हैं, फायर सप्रेशन सिस्टम मिलता है कि अगर इंजन कंपार्टमेंट में कहीं आग लग रही है तो वहाँ पे वो फायर को सप्रेस कर देगा। ABS ब्रेक्स मिलते हैं, एग्जॉस्ट ब्रेक्स भी आते हैं, मतलब घाट वगैरह पे कंट्रोल करने में इंजन ब्रेक्स वगैरह आते हैं। और 147 हॉर्स पावर की पावर इस गाड़ी में आती है 2400 RPM पे। इसके अलावा जो टॉर्क बैंड आप देखोगे 450 Nm का, तो वो 1250 से लेकर 2000 RPM में आता है। फायदा क्या होगा कि बार बार गियर नहीं चेंज करने पड़ेंगे। मान लो कि अगर आप वो ओवरड्राइव गियर बॉक्स है तो जब हाईवे पे चलोगे तो बहुत बढ़िया मजा आएगा, गाड़ी माइलेज बहुत अच्छा देगी, अच्छा निकाल के देगी। और अगर मान लो आप कह रहे हो स्टाफ मूवर है, आप कह रहे हो स्टाफ मूवर है, अगर सिटी में चलानी है तो आपका ड्राइवर बार बार गियर चेंज नहीं करेगा, वो ऐसा करेगा कि दूसरे गियर में डाल दिया और ट्रैफिक में इजीली मूव कर पाएगा, तो बहुत ही मजा वहाँ पे आने वाला है। टायर जो बड़े लगाए हैं, एयर सस्पेंशन का ऑप्शन देते हैं, हालांकि वैसे आपको सेमी इलेप्टिकल स्लीव स्प्रिंग सस्पेंशन या फिर पट्टा कमानियां मिलती हैं, पर आपको एयर सस्पेंशन का ऑप्शन मिलता है कि एयर सस्पेंशन अगर आपको चाहिए तो ले लो। बस AC और नॉन AC दोनों वेरिएंट्स में आती है। अगर आप बात करोगे नॉन AC वेरिएंट की तो आपको नॉर्मल वाला 90 एम्पियर का अल्टरनेटर मिलने वाला है, और गाड़ी जो है वो 120 एम्पियर 100 एम्पियर आर के आसपास काम करने वाली है। बट अगर आप AC वाली गाड़ी लेते हो तो 150 एम्पियर आर वाली बैटरी जो है आपको उसके साथ में मिलेगी। साथ ही साथ में 28 किलोवाट का AC लगाया, तो जो पुरानी वाली ऑयस्टर आती थी उसमें लोगों ने शिकायत करी थी कि यार ये AC जो है वो उतना काम नहीं कर रहा है, मतलब उतनी कूलिंग नहीं कर रहा है। वो कूलिंग बढ़ गई है अब, तो कूलिंग अब प्रॉपर आएगी गाड़ी में। और अच्छी बात यह है कि जो AC है ना वो इंजन पुली से ही ड्रिवन है, मतलब इंजन पुली में, इंजन में एक पुली दे रखी है AC के लिए, तो वहाँ से AC का कंप्रेसर चलता है, वो एक अच्छी पार्ट है। थोड़े बहुत कंफर्ट की बात करें तो एर्गोनॉमिक है, चलाने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी खास की, बहुत ज़्यादा आउटपटांग कुछ भी लगा हुआ है। दूसरी बात, जो हमारी जो CRS कॉमन रेल टेक्नोलॉजी वाले इंजन है ये बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, और केवल शिफ्ट ऑपरेटेड गियरबॉक्स वगैरह है, ओवरड्राइव गियरबॉक्स है, तो चलाने में मजा आएगा, माइलेज मेंटेनेंस वगैरह कम है, और ओवरऑल अशोक लेलैंड की बस है जो कम मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है। एक बात और जो मुझे आपको इसके बारे में बतानी थी वो ये कि इसकी कीमत आप अभी तक जानने के लिए रुके होंगे वीडियो में, कीमत की बात करें तो कस्टमाइजेशन पे काफ़ी वेरी करती है, क्योंकि इसमें चेसी अवेलेबल है, आप चाहे तो चेसी के साथ में ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको पूरी बड़ी हुई बॉडी के साथ में ले सकते हैं। फिर भी आपको अगर एक मोटा अंदाज दे दूँ तो लगभग 28 लाख से लेकर 35 लाख के बीच में कुछ इस बस की कीमत बैठती है। डिस्काउंट्स के बाद में आपको और बेहतर कीमत इस गाड़ी की मिल सकती है। अगर अभी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको जानना है, जैसे कि इसका माइलेज वगैरह क्या आएगा, वारंटी वगैरह क्या आएगा, कमेंट वगैरह करो, मैं कमेंट में सारे रिप्लाईज कर रहा हूँ, और एक्सप्लोर करते हैं। आपको भी इस बस के बारे में कुछ पता है, आपकी कंपनी वगैरह में बस है, या आप ओन करते हो, या आप जिसको चलाते हो, तो वो भी आप कमेंट में कमेंट करके बताओ। और ये सारी बातें हैं ऑयस्टर बस के बारे में, हम और भी बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे आपको इस बस के बारे में और बताएंगे, कोशिश करेंगे लंबा एक चला के प्रैक्टिकल रिव्यू दे दें तो बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री आपके लिए। तब तक के हेलमेट पहनिए, सीट भी पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू करा लीजिए, ट्रैफिक पुलिसमैन से बेवजह मत झगड़िए। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।